हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको लिक्विड फंड के बारे में बताऊंगा कि क्यों ये फंड जो है इतना आजकल पॉपुलर है। दोस्तों, लिक्विड फंड को जानने से पहले थोड़ा आपको मैं डेट फंडों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लिक्विड फंड जो है डेट फंड का ही हिस्सा है। दोस्तों, डेट फंड वो फंड होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स इनकम, ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट व और अन्य प्रकार के जो डेट सिक्योरिटीज़ होती है उनमें जो है इन्वेस्ट करता है। सामान्यतः जो डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं वो एक तरह की फिक्स मैच्योरिटी डेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि कुछ लिक्विड फंड के जैसे होते हैं लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, फ्लोटिंग रेट फंड्स, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इनकम फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड होते हैं, क्लोज एंडेड डेट फंड होते हैं या फिक्स मैच्योरिटीज प्लान होते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि लिक्विड फंड क्या होता है। लिक्विड फंड जो है म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड है उन्हीं का एक प्रकार है, यानी कि उसी तरह का डेट फंड की तरह जो है ये काम करता है। ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट में जो है ये फंड निवेश करते हैं, जिनकी मैच्योरिटी जो है 1, 2 से 91 या 1 महीना 2 महीने 3 महीना ऐसा जो इनकी मैच्योरिटी डेट होती है। मैक्सिमम जो लिक्विड फंड है उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, यानी कि वो 1 दिन 2 दिन में भी वो मैच्योर हो जाते हैं। ये फंड जो है और फंडों से जो है ज़्यादा सुरक्षित होता है। इनमें जो है मार्केट का जो जोखिम है वो जो है बहुत कम होता है। लिक्विड फंडों के जो लाभ है इसमें जो है लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, यानी कि जब आप एफडी या आरडी करते हैं या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कहीं करते हैं तो उसमें जो है एक लॉकिंग पीरियड होती है, यानी कि एक अवधि होती है जिसके बीच में आप जो है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि आप उसको विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ परसेंट जो है काट लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें यदि आप विड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट डे, लिक्विड फंडों में यदि आप विड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में जो है पैसा आ जाता है। इसमें आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 1 महीना या 1 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है कि मैच्योरिटी आपकी 1 साल है 2 साल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो है आप 1 से लेके 1 महीने के बीच में या 1 साल के बीच में कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्यों पॉपुलर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो कंपनियां हैं उसमें जो है तत्काल जो है पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये जो है सेबी की भी गाइडलाइन है और सेबी ने भी ये जो है अनिवार्य कर दिया है कि जो है इसमें जो है तत्काल पैसे निकालने की व्यवस्था हो। रिलायंस म्यूचुअल फंडों में जो है ATM एनी टाइम मनी का जो है कार्ड लॉन्च किया है, इससे आप जो है किसी भी उसमें जाके जो है उसी टाइम जो है पैसा भी निकाल सकते हैं। HDFC बैंक ने भी जो है वीजा के साथ मिलके जो है इस तरह के जो है ATM कार्ड जो है लॉन्च किए हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा तय सीमा के अनुसार ATM कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं या ये मर्चेंट को पेमेंट किया जा सकता है। इसमें नकद की सीमा जो है पर डे जो है 50,000 रुपये रखी हुई है। DSP ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड AMC कंपनी है उसने 17 अक्टूबर से जो है मनी मैनेजर फंड जो है निकाला है, और जिसमें जो है वो IMPS जो है सर्विस जो है इस्तेमाल करता है, यानी कि इमीडिएट जो है पेमेंट सर्विस जो है इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जो डेट फंड में जो लिक्विडिटी फंड है ये जो है आजकल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जो है इसमें जो है कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आपका जो पैसा है वो उसमें कोई एकदम मैच्योरिटी की कोई डेट नहीं है, ओपन एंडेड है। आज आप पैसा लगाते हैं तो आप कल परसों अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है इसको विड्रॉ करा सकते हैं। इसमें कोई एग्जिट लोड या ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।